मैं घर की सफाई कर रही हूँ अभी। तो जी मेरे साथ चलो, मैं मेल बॉक्स में अपने मेल लेने जा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ यहाँ मेल बॉक्स कैसे होते हैं हमारी सोसाइटी के। चुके अपने मेल बॉक्स के पास, ये हमारा मेल बॉक्स है। और देखो सभी के रूम के कमरे यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि देखो 201, 202, 203 ये हमारा मेल बॉक्स है। ये सबके लगे हैं, सभी यहाँ आकर अपने मेल बॉक्स में लेते हैं। सभी के अपने रूम के कमरे हैं। हम अब मेल बॉक्स खोलेंगे। ये देखो मेल बॉक्स, अब देखूंगी इसमें जो काम की चीजें होंगी, मेल की चीजें होंगी रखूंगी, नहीं तो मैं फेंक दूंगी। ये देखिए जी, एक तरफ मैंने आलू डाल रखे हैं, ऊपर नमक डाल रखा है, थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, और ये गरम मसाला डाला है थोड़ा सा मैंने, ये लाल मिर्च डाली है, ये मैंने थोड़ा सा वो डाला है सूखी मेथी, क्योंकि थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी तो मैंने ये डाली है। आलू की पूरी है, आ देखो फूल भी। ये पूरी बनकर तैयार हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज आशु की छुट्टी है, तो आशु ने मुझे बोला है कि मेरे नाश्ते में प्रिया आलू की पूरियां बना दे, तो मैंने सोचा वो रेसिपी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो मैंने सोचा मेरी आलू की पूरियां भी बन जाएगी, रेसिपी आपके साथ शेयर हो जाएगी। आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। आज मैं लंच में पास्ता बनाने जाऊंगी। ये हमने मैक्सी से लिया है पास्ता, आप देख सकते हो ये पास्ता है, और इसके लिए हम सॉस लेकर आए हैं, ये वाली सॉस लेकर आए हैं, हम मैक्सी से लेकर आए हैं। हम अब पास्ता डालूंगी, इसको ब्रोकली को अच्छे से धो लेंगे हम। पैन में ऑयली बॉल डालूंगी, ये मैंने पैन में डाला, इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो प्याज भूनकर तैयार हो गए हैं, रेड हो गए हैं। इसमें हम मसाले डाल देंगे, ये मैंने मैगी मसाला, नमक, मिर्च और ये डाला है। इनमें हम ब्रोकली भी डाल देंगे। अब हम पास्ता डालेंगे इसमें। अब ये मैं सॉस डालूंगी इसमें, देखो पास्ते को हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो हम ये चीज डालेंगे, बाजार से लेकर आए थे हम, मैंने इसमें डाल लिया था कंटेनर में, ये चीज डालेंगे इसके ऊपर। आप देख सकते हो पास्ता मेरा बनकर तैयार हो गया है, और जो चीज था वो मेल्ट हो गया है सारा। और आरिया ये पास्ता खा रही है। आज हम ग्रोसरी लेकर आए हैं बाजार से, ये हम चीज लेकर आए हैं। देखो ये नमकीन चीज है बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को आर्यन और आर्या को बहुत स्वाद लगते हैं ये चीज। ये येलो चीज है, ये दो वाइट चीज है, ये मेरी लड़की बहुत आर्या खाती है। और ये केले लेकर आए थे हम, बनाना, ये बनाना लेकर आए थे। ये अदरक लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, मुझे अदरक बहुत जरूरी चाहिए। और ये ब्रोकली लेकर आए हैं बाजार से, और ये बच्चों के लिए खाने के लिए चीज लेकर आए हैं जो बच्चे खाते हैं बहुत शौक से, आप देख सकते हो। और कुकुम्बर लेकर आए थे हम, ये चॉकलेट लेकर आए बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं। एप्पल लेकर आए, और ये पोगो लेकर आए, इसको टोस्ट कर कर भी खा सकते हैं, इसमें इस
इसमें खा सकते हैं, इसमें टोस्ट कर कर बच्चे खाते हैं। बस यही थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, क्योंकि आपको बताइए हम ग्रोसरी खरीदते रहते हैं। और ये चिप्स लेकर आए थे, ये इसके साथ खाने के होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, मगर मैं नहीं खाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खाते हैं। ये ऐसे जूस लेके आए, ये पीच का जूस है आड़ू का, और मैं दाखा लेके आई अपने वास्ते, ये लेके आए हैं ऐसे फ्रेंच फ्राई वास्ते, जूस लेके आए। ये आर्या का फेवरेट जूस है, ये आर्यन का फेवरेट जूस है, आर्या आर्यन। मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं तेल लगा लूं। मैं अपने बालों के लिए ऑयली बॉल यूज करती हूँ। ये मैं चाय यूज कर दी है, चाय पत्ती यूज कर दी है, रेड लेवो, ये साढ़े उरे बाल मार्ट से मिलती है, ते इंडिया इंडिया दी हैगी, यूज करके देखियो। मैंने सोचा तुहाडे नाल शेयर किया जाए कि मैं केड़ी चाह पीनी है, ते 900 ग्राम दी हैगी है। हम रात को फिर पिक्चर देखते हैं नेटफ्लिक्स पर, ढूंढते हैं मैं और मेरे हस्बैंड।